बालू नीति इनका ऐसा है कि बालू से थाना थान कमीशन मिला है इनका आदमी। जैसे जमुई में पुलवा घसक गिलाई वैसे ही किशनगंज में पुलवा घसक ले करोड़ों रुपया में। बालू नीति इनका ऐसा है कि बालू से थाना थान कमीशन मिला है इनका आदमी के। और बलुआ पुलवे के नजदीक से लेकर के चल जा है खाते के चाहिए 3 मीटर यानी 3 9 फीट बढ़ते से बढ़ते तो खाता है जाना वो 25 मीटर खाता है 20 मीटर खत जा है। आज हर नदी में लखन डूब के मर रहे है हर नदी में बूढ़ा बूढ़ी मर रहे है। और जैसे जमुई में पुलवा घसक गिलाई वैसे ही किशनगंज में पुलवा घसक ले वैसे सुल्तानगंज में पुलवा घसक ले वैसे ही हमारे नारायणपुर में पुलवा घसक ले। तो नीतीश कुमार जी 1700 करोड़ रुपया के वहाँ 1600 करोड़ रुपया के वहाँ इतना कितना करोड़ के ये सब पैसा बेकारे पानी में न फेर दिलो पानी में न चल गेलो। ये पूछे के चाहिए अगर कल आवे था थी देखे थी तो यही लाभ है तू जीतन मांझी के प्रोग्राम बन ले है जीतन मांझी तो जरूर है कोई बोलता ही तब ना कैसे बोल रही जी गड़बड़ उठ कर कहती है तो हम ना बोल भाई हम तो बोलबे कर रहे। अब अखबार वाला भाई लोग के कहिए कि तुहनियों डरी है मत कोई जरूरी है जी कि सब दिन वही रहता थी जी हमानी ना आए भाई जी आए तो सब कंपनसेशन कर देवो। और नीतीश कुमार से पूछे के चाहिए कि कैसे हो लो हम तो कहे ये कि अगर उनका तनी भी सोच है तो उनका इस्तीफा दे देवे के चाहती है कैसा नैसन फूल फूट रहा है तो ई वजह से ई काम कर रहे। और दूसरा काम ले करोड़ों रुपया में बालू नीति इनका ऐसा है बालू से थाना थन कमीशन मिला है इनके आदमी के। और बलुआ पुलवे के नजदीक से लेकर के चल जा है खाते के चाहिए 3 मीटर यानी 3 9 फीट बढ़ते से बढ़ते तो खाता है जाना वो 25 मीटर खाता है 20 मीटर खत जा है। आज हर नदी में लखन डूब के मर रहे है हर नदी में बूढ़ा बूढ़ी मर रहे है। आओ जैसे जमुई में पुलवा घसक गिलाई वैसे ही किशनगंज में पुलवा घसक ले वैसे सुल्तानगंज में पुलवा घसक ले वैसे ही हमारे नारायणपुर में पुलवा घसक ले। तो नीतीश कुमार जी 1700 करोड़ रुपया के वहाँ 1600 करोड़ रुपया के वहाँ इतना कितना करोड़ के ये सब पैसा बेकारे पानी में न फेर